मदरसा बोर्ड के द्वारा संचालित होने वाले मदरसा जो इन दिनों सरकार के निशाने पर भी है, वहीं गाजीपुर के एक मदरसे में बीते अर्धवार्षिक परीक्षा में एक बड़ी लापरवाही भी सामने आया। जी हां, पिछले महीने संपन्न हुई अर्धवार्षिक परीक्षा में वहां के सहायक अध्यापक के द्वारा 10 अंक के पूर्णांक वाले प्रश्न पत्र में परीक्षार्थियों को 15 अंक प्रदान किया गया। जब इस कारनामे का खुलासा हुआ तो पूरे मदरसे में खलबली मच गई। आनन फानन में सहायक अध्यापक को नोटिस जारी कर मदरसा प्रबंधन ने जवाब मांगा है। मदरसा प्रशासन के द्वारा जब कापियों की रैंडम जांच की गई थी तब इस तरह के खुलासा हुए और प्रिंसिपल के द्वारा सहायक अध्यापक को नोटिस जारी कर दिया गया। वहीं नोटिस जारी होने के बाद जब यह खबर मीडिया में आई तब रविवार को मदरसा मदरसतुल मसाकिन बहादुरगंज के शिक्षक सहायक अध्यापक के समर्थन में आज धरने पर बैठ गए और इन लोगों ने मदरसा के प्रबंधन पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए। साथ ही साथ उन लोगों ने मदरसा प्रबंधक के द्वारा शिक्षकों को प्रताड़ित करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया और अधिकारियों के आने तक धरने पर बने रहने की भी बात कही। इस धरने में मदरसे की महिला टीचर भी शामिल रही। मदरसा के टीचरों ने अपने धरने को लेकर क्या बताया, आइए जानते हैं। वजह यह है धरने की कि हर रोज हमें प्रताड़ित किया जाता है। एक रोज जितनी डायरेक्टर साहब आए थे वो अपना द्वारा प्रताड़ित आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा किया जाता है। हाँ, हर जाविये से किसके द्वारा प्रताड़ित किया जाता है? वो खुद डायरेक्ट करते हैं। कौन करता है आप लोगों से प्रताड़ित? जाऊ रहमान। शिक्षक को झूठा आरोप लगा करके आप इन्होंने ये पेपर में निकलवा दिया कि 10 के स्थान पे 15 अंक का आपने काफी चेक की है जी। और उनपे मंशा यही है उस आरोप से इनको सस्पेंड करना है। तो जो 5 पेपर पूर्णांक जो है 50 का था पेपर में और 5 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था और आउट ऑफ सिलेबस होने की वजह से जो हमारे प्रिंसिपल साहब है उन्होंने मौखिक रूप से कहा, बच्चों से भी कहा, हम लोग से भी कहा कि 3 क्वेश्चन करिए और 3 क्वेश्चन को 50 नंबर में बांट दे। प्रिंसिपल का नाम क्या है? प्रिंसिपल का नाम श्री मोहम्मद आप लोग के साथ वो भी धरने पे हैं? नहीं, वो नहीं, उन्होंने कहा और ये उन्होंने काफी चेक कर दी। अब अगले दिन इसको नोटिस दे दिया गया कि आपने 10 के स्थान पर 15 के नंबर क्यों दिया। तो अब जाहिर सी बात है 50 पूर्णांक है, 50 को 3 नंबरों में बांटना है तो कैसे बांटे? जो एक नंबर जो आएगा तो वो 15 से ज्यादा ही होगा या 15 होगा। तो अब उनको नोटिस दे दी, अगले दिन इनको पेपर में निकलवा दिया गया। उस नोटिस को पेपर में निकलवा करके अब बताइए एक शिक्षक को इस तरह से बेइज्जत किया जा रहा है तो कब तक, और लोगों को बार बार धमकी दी जा रही है तो कैसे वो कब तक बर्दाश्त करेगा? ये 6,990 का है, ये 3,990 का है, ये एज ए गिफ्ट केवल बुकिंग ऑफर है, आप बुकिंग करेंगे आपको ऑफर मिलेगा। नमस्कार, मैं सुबह जायसवाल, जायसवाल टीवी से आपका स्वागत करते हैं। अभी नवरात्र और दिवाली के त्यौहार आ रहे हैं और टीवी की तरफ से जो है ऑफर्स की बरसात होने वाली है।